हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गे शिफ्टर्स इंडिया। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है मेरी KTM RC 390 में, तो आपको बताता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा अपग्रेड जो मैंने किया है वो है पावरट्रॉनिक्स। तो पावरट्रॉनिक लगाने से इसकी पावर तो बहुत बढ़ गई है। जैसे आप बोलोगे फर्स्ट गियर में तो मैंने चेक किया है प्लस 60 जाता है, एंड सेकेंड गियर में प्लस 96 कुछ टॉप है सेकेंड गियर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या अपग्रेड किया है। तो अब देखिए, पावरट्रॉनिक है, उसके बाद मैंने केनन लगाया है, देन ये आप देखोगे ये ट्रैक्शन टैंक पैड्स है, ये मैंने परचेस किए थे 1700 को। तो ये टेक्नो खान स्टोर करके है, आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी है, वहाँ से मैंने परचेस किया है। और ये है स्टिकर्स, ये एक्चुअली एक एक स्टिकर्स है पूरे, मैंने बॉम्बरिंग किया है इसको। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था अराउंड 450 रुपीज़, आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। और पावरट्रॉनिक का ये मैप स्विच है, मैप 1 और मैप 2। मैप 1 जो है वो स्टॉक है, एंड मैप 2 जो है वो पावर के लिए है, मतलब बीस्ट मोड पावरट्रॉनिक के लिए। और ये मैंने इंस्टॉल किया है, ये है मास्टर सिलेंडर ब्रेकिंग। एक्चुअली मुझे फ्रेंड ने बताया था कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग होती है, अच्छी है, ये नहीं बोलूँगा स्टॉक रेस में कुछ डिफरेंस है, बट अच्छा दिखता है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैंने ये चेंज करने वाला हूँ, ये स्पॉन्जी हो गया था लीवर, बट उसके बाद जैसे मैं घर आया स्टॉक वाला लेने के लिए तो ये वाला बराबर वर्क करने लग गया, तो मैंने उसको चेंज नहीं कराया वापस। और यहाँ पर मैंने ये LED रिंग्स लगाए हैं, तो एक्चुअली अभी एक बंद हो गया है। और ये है विंगलेट्स, ये R15 को भी यूज़ होता है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये मुझे पड़ा था 699 रुपीज़। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ से कैसे दिखता है, अगर क्लियर दिख रहा होगा तो। एक्चुअली यहाँ पे धूप है। और मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, ये है लीवर गार्ड्स, एंड उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया है ये टेल टाइडी। ये टेल टाइडी मैंने परचेस किया था अली एक्सप्रेस से अराउंड 1500 रुपीज़, और तब ये लोकल मार्केट्स में यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं था जब मैंने लिया था। और ये है सीट काउल जो मैंने ऑटोलॉक डिज़ाइन से लिया था अराउंड 2800 विद डिलीवरी। और यहाँ पे मैंने GoPro माउंट भी लगाया है। और आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे ये है मोटा ग्रांडिस के क्रैश गार्ड्स है, ये भी मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से परचेस किए थे, ये आए थे अराउंड 3500 रुपीज़। और पावरट्रॉनिक का प्राइस एक्चुअली मैं बताना भूल गया, वो मैंने पावरट्रॉनिक के वेबसाइट से ऑर्डर किया था, वो आया था अराउंड 18,000। और मैप स्विच जो है ये है 1500 रुपीज़ का, तो इसका एक्चुअली मुझे वो ऑफ़र हो गया था उसमें 1500 रुपीज़, तो मुझे मैप स्विच समझिए कि फ्री में ही आ गया, ऐसा समझ सकते हो आप। और ये गैस टैंक पैड है, ये मैंने बहुत पहले लिया था, आई थिंक ये भी अमेज़ॉन से परचेस किया था कुछ अराउंड 400 रुपीज़। और ये मैंने एक्रेलिक जो होता है, आप नंबर प्लेट बनाते हैं ना, तो उसे गे शिफ्टर्स इंडिया लिखा है, एक्रेलिक है जिससे जो नंबर प्लेट्स बनती है उसी से बनवाया हुआ ये। और ये तो मेरा टैटू है जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। बस यही सब अपडेट्स किया है। और एक चीज़ रह गई है, वो है ये रिम डिकेल्स, आप देख सकते हो, ये मैंने परचेस किए थे 400 रुपीज़, ये भी अमेज़ॉन से परचेस किया है मैंने। और यहाँ पे ये लाइट्स लगाई है, ये तो बहुत चीप है, एक कुछ 30 रुपीज़ की है ईच देख। और मैंने ये हज़ार लाइट इंस्टॉल की है इसमें, ये ब्लिंक कर रही है। एक्चुअली जो टेल लाइट्स है इसके अंदर 8 पैटर्न्स है, तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो एक्चुअली जैसे ब्रेक लग गई अभी, वो वैसा ब्लिंक कर रहा है, वो मुझे देखना है अभी क्या हुआ है। तो इसमें 100+ पैटर्न्स है इंडिकेटर्स के लिए, और 8 पैटर्न्स है टेल लाइट के लिए, तो बहुत बढ़िया है ये। गाइस, मुझे और एक पॉइंट ऐड करना था वो माउंट के बारे में, कि मैं GoPro और बाइक्स पे कहाँ पे माउंट करता हूँ। जो आपने पहले वीडियोस देखी होगी मेरी जिस पे मैं स्पीड दिखाता हूँ, तो आप देखिए, तो वो ये प्लेस है जहाँ पे मेरा GoPro माउंट होता है, ऐसे जब आपको ये शो होता है ना हाईवेज़ पे, तो ये एक प्लेस है माउंट करता हूँ, एक हेलमेट पे, और थर्ड प्लेस जो है वो है यहाँ पर है सीट काउल पे, आप देख सकते हो। और राइड्स के बारे में बात करें तो राइड्स अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुणे में लॉकडाउन है, आई थिंक ऑल ओवर 3 वीक्स हो गए हैं लॉकडाउन से, तो हम घर पर ही हैं, तो
तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कोई और घूमने जा रहे हो, आप कार पे बाइक्स पे अगर आपको रोकेंगे तो ज़रूर आपको पूछेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे जा रहे हो, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आपको लास्ट टाइम बताया था, तो आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो कहीं भी, पुलिस वाले आपको नहीं पूछेंगे कुछ भी, वो नहीं रोकते, उन्हें पता है कि सर्विसेज ये ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट करना, तो नहीं रोकते। एंड और अगर बाइक की स्पीड की बात करें तो फर्स्ट गियर में अराउंड 60 प्लस एंड सेकेंड गियर में 90 प्लस जाती है। एंड टॉप स्पीड मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, हाईवेज पे जाने का मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला। ऑलरेडी अराउंड 1 ईयर तो हो गया है पावर ट्रॉनिक्स लगा के, तो हाईवे पे लॉन्ग राइड्स में नहीं गया हूँ, तो मैं ज़रूर चेक करूँगा। अगर मैं महाबलेश्वर साइड जाता हूँ, कोल्हापुर साइड, तो ज़रूर हाईवे पे मैं टॉप स्पीड चेक करूँगा और आपको मैं ज़रूर ये नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। और एक बात, ज़रूरी बात ये कि आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाहर ज़्यादा मत घूमिए। अभी आप बोलोगे मैंने मास्क नहीं पहना है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर अकेला हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है, तो मास्क पहन के ही मैं घर से निकला था और वीडियो बनाने के लिए मैं घर से यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए। तो राइड्स जो है वो जल्दी होगी, जैसे लॉकडाउन खुलता है राइड में, अब राइड्स जो है हम राइड पे ग्रुप राइड्स करता हूँ मैं, सोलो राइड तो कभी नहीं करता हूँ, ग्रुप राइड्स के साथ जाऊँगा और वीडियोस अपलोड करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भी जो राइडर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सैक्रिफाइस करिए राइड्स को अभी के लिए, जहाँ भी लॉकडाउन है आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बहुत केसेस आ रहे हैं रोज़ कोरोना के, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे राइडर्स, आई मीन नॉट मीन राइडर्स, मतलब कोई भी जो है पूरे वर्ल्ड में कि किसी को ऐसे कोरोना हो, पॉजिटिव निकले और कि कोई ऐसे डेथ हो जाए किसी की, मैं नहीं चाहूँगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। मुझे एक्चुअली वीडियो बनानी थी तो मुझे बाहर आना पड़ा, राइड्स के लिए तो बिल्कुल पूरा बंद है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर ही रहते हैं, तो आप भी सेफ रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।